दर्जा राज्य मंत्री ने मन की बात कार्यक्रम ग्रामीणों के बीच देखा। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार के 7 साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को जनता के बीच सुनने के उद्देश्य से अल्पसंख्यक आयोग सदस्य दर्जा राज्य मंत्री मनोज मसीह विकासखंड दयागावा क्षेत्र के ग्राम कस्बा भक्तानंगा में पहुंचे, जहां उन्होंने ग्राम में जनता के बीच स्वयं बैठकर मन की बात कार्यक्रम को सुना। अल्पसंख्यक आयोग सदस्य दर्जा राज्य मंत्री मनोज मसीह जनता के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम सुनने के उपरांत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र में बनी भाजपा सरकार के 7 साल पूर्ण होने पर हर्ष व्यक्त किया और कहा कि 7 साल में भारत देश ने विश्व में जो ख्याति प्राप्त की है उसका श्रेय केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही जाता है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने पूरे भारत में जनता के विकास के लिए अनेक योजनाएं चलाई हैं, जिससे जनता का कल्याण हो रहा है। विकास कार्यों में चाहे स्वास्थ्य सेवा हो, सड़कों का जाल हो या भारत देश की सीमा सुरक्षा का मामला हो, 7 साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कार्य किए हैं वह आज तक कोई भी प्रधानमंत्री नहीं कर पाया। भारत देश सोने की चिड़िया बनने की ओर अग्रसर होता दिखाई दे रहा है। उन्होंने कहा कि विश्व में कोरोना संकट काल में विश्व की अर्थव्यवस्था को झकझोर कर रख दिया है, परंतु भारत देश अर्थव्यवस्था में आज भी दृढ़ता के साथ खड़ा हुआ है। उन्होंने कहा कोरोना संक्रमण से अनेक देशों की कुछ व्यवस्था चरमरा गई है, परंतु प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की अर्थव्यवस्था को चरमराने नहीं दिया और उन्होंने कहा कि देश में बनी कोविड वैक्सीन पूर्णतया सुरक्षित है, इससे किसी को भयभीत होने की जरूरत नहीं है। उन्होंने क्षेत्र के लोगों से अनुरोध किया कि वह कोरोना संक्रमण से बचाव हेतु कोविड वैक्सीन अवश्य लगवाएं तथा किसी भी भ्रामक सूचना की ओर ध्यान न दें। उन्होंने लोगों से कोरोना संक्रमण की रोकथाम हेतु जांच करने आई स्वास्थ्य विभाग टीम के लोगों को पूर्ण सहयोग देकर लोगों की जांच कराए जाने को लेकर कोविड वैक्सीन लगाने के लिए स्वयं को सुरक्षित बताया और इसी के साथ उन्होंने कहा कि आपका परिवार भी सुरक्षित रहेगा तथा आपसे मिलने वाले लोग भी सुरक्षित रहेंगे। जब आप सभी लोग सुरक्षित रहेंगे तो देश सुरक्षित रहेगा। इससे पूर्व दर्जा राज्य मंत्री मनोज मसीह ने ग्राम की जनता के साथ बैठकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुना। इससे पूर्व ग्राम भक्तानंगला दर्जा मंत्री के पधारने पर उनका भारतीय जनता पार्टी जिला संयोजक आईटी विभाग अनुराग भारद्वाज ने गले में फूल माला डालकर उनका भव्य स्वागत किया। इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी के दहगवा मंडल अध्यक्ष ताराचंद, राकेश नत्थू, पूरन लाल, अशोक हरिशंकर सहित अनेक भाजपा कार्यकर्ता व ग्रामीण उपस्थित रहे। समर इंडिया के लिए सहजवान बदायूं से जय किशन सैनी की रिपोर्ट। भारतीय स्वाभिमान और शौर्य का उद्घोष, राजनीतिक मुद्दों से लेकर जनता के हितों की बात, अब होगी नई उम्मीद के साथ बदलते नए भारत की सोच। समर इंडिया, यही तो सच है।